लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक. आवर टॉपिक रिबेलियन इन द कंट्री साइड. सोर्स बी, व्हाट इज सोर्स बी? दैट इज ऑन जनवरी, ऑन 6th January 1921, द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविनेंसेस fired at peasant near Raibareli. 6 January 1921 को United Provinces में Raibareli के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई थी. Raibareli के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई थी. And गोली चलाई. And जवाहरलाल नेहरू wanted to go to the place of firing. But was stopped by the police. और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो वहाँ पे उस प्लेस पे जाना चाहते थे जहाँ पे फायरिंग हुई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. एंड एजिटेटेड एंड एंग्री नेहरू एड्रेस द पीसेंट हु गैदर्ड अराउंड हिम. और गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को एड्रेस किया, मतलब संबोधित करना स्टार्ट किया, एड्रेस करना स्टार्ट किया. दैट बाद में दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग. और ये उन्होंने मतलब कि बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे वहाँ पे डील किया, क्या बात की. दैट कैसे डील किया, क्या बात हुई. They behaved as brave men, calm and unruffled in the face of danger. उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था. मतलब वो बहुत ही ब्रेव, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक ब्रेव मैन, calm and unruffled, मतलब निश्चित. इन द फेस ऑफ, उस डेंजर में भी उन्होंने अपने आप को ब्रेव रखा, काम रखा, अनरफल्स रखा, मतलब निश्चित रखा खतरे में होते हुए. एंड आई डू नॉट नो हाउ दे फेल्ट बट आई नो व्हाट माय फीलिंग्स. पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था. उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था. पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था. फॉर अ मोमेंट क्या हुआ, माई ब्लड वॉज अप, मेरा जो खून था वो बहुत फॉल गया. एंड नॉन वॉयलेंस वॉज ऑलमोस्ट फॉल गया. नॉन वॉयलेंस टोटली मतलब मैं भूल चुका था. बट फॉर अ मोमेंट ओनली, उन्होंने कहा कि फॉर अ मोमेंट के लिए, एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा था. और मतलब जो नॉन वॉयलेंस था वो पता नहीं कहाँ चला गया था. लेकिन सिर्फ एक पल के लिए ही मैं नॉन वॉयलेंस को भूला था, सिर्फ एक पल के लिए. The thought of the great leader who by God's goodness has been sent to lead us to victory came to me and I saw the kisan seated and standing near me. क्या हुआ, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें मतलब आप यह सबको डाला था. The thought of the great leader, मुझे थॉट मतलब ग्रेट लीडर का थॉट याद आ गया था. हु बाय गॉड गॉडनेस हैज बीन सेंट, मतलब भगवान ने उन्हें गुडनेस हैज बीन मतलब उन्हें सेंड किया है कि हम विक्ट्री पा, ठीक है, उन्हें हमारे पास मतलब विक्ट्री पाने के लिए भेजा है भगवान. और उस महान ने मतलब मुझे याद आया, मैंने देखा कि मेरे आस पास केम टू मी. आई सॉ द किसान सीटेड एंड स्टैंडिंग नियर मी, मैंने देखा कि मेरे आसपास किसान बैठे हैं और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित हैं, ठीक है. मेरे आसपास किसान बैठे भी हुए हैं और जो खड़े हैं मेरे साथ वो मेरे से कम एक्साइटेड हैं, मतलब कम उत्तेजित हुए हैं. मोर पीसफुल,
मोर पीसफुल देन आई वॉज, और मेरे से ज़्यादा शांत थे, वो मेरे से ज़्यादा शांत थे। एंड द मूवमेंट ऑफ वीकनेस इज पास, मेरी दुर्बलता का यह क्षण बीत गया। मतलब ये जो मोमेंट था वो, जो मेरी वीकनेस का ये जो मोमेंट था वो बिल्कुल बीत गया। और आई स्पोक टू देम, मैंने उनसे बात की, ऑल ह्यूमैनिटी और नॉन वॉयलेंस में, ठीक है, मैंने उनसे बहुत ही ह्यूमैनिटी से बात की और नॉन वॉयलेंस से बात की, पर उनसे बात की। और आई नीडेड दी लेसन, और ये सब, मतलब आई नीडेड दी लेसन मोर देन दे, मुझे ये सबक उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था, कुछ सबक, मतलब ये जो सबक था, ये जो लेसन था, मुझे उनसे ज़्यादा सीखना था। एंड दे हीडेड मी एंड पीसफुली डिस्पर्स्ड, उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले, उन लोगों ने मेरी बात को समझा और वे शांति से चले गए। उन्होंने मेरी बात को समझा और वो शांति से चले गए। ट्राइबल पीसेंट्स इंटरप्टेड, पेज नंबर आई थिंक 60, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज रिबेलियन इन द कंट्री साइड। ट्राइबल पीपल्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, ट्राइबल पीपल इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन गेट अनदर वे। जो ट्राइबल पीपल पीसेंट से इंटरप्टेड, ट्राइबल पीपल इंटरप्टेड बाय, इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। ट्राइबल मतलब आदिवासियों ने, जो ट्राइबल पीसेंट थे, जो आदिवासी किसानों ने क्या किया, महात्मा गांधी के मैसेज और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला, उन्होंने उनके मैसेज और स्वराज का कुछ और मतलब निकाला, उनके मैसेज का कुछ और मतलब निकाला। एंड इन द गुडम हिल्स, और अगर हम एग्जांपल है गुडम, इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस, इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। क्या किया गया, आंध्र प्रदेश की गुड्डम हिल्स में 1920s में शुरुआत में एक नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, मतलब उन्होंने एक मिलिटेंट गोरिल्ला आंदोलन फैल गया था, एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया था। कौन सा आंदोलन फैल गया था, गोरिल्ला आंदोलन। गुडम हिल्स में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो गया था अर्ली 1920s में, और नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, और ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ, कांग्रेस इस स्ट्रगल को कभी अप्रूव नहीं कर सकती थी, ये कोई फॉर्म ऑफ स्ट्रगल नहीं था जैसे कि कांग्रेस अप्रूव करे, कांग्रेस कभी इसे अप्रूव नहीं कर सकती थी। एंड दैट हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इन अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया, क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम
entering the forest to graze their cattle. To graze their cattle. Here is other forest reason. The colonial government has closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and food. This enraged the hill people. क्या हुआ कि forest और लोगों को क्या किया था other forest फॉरेस्ट रीजन्स में, अगर हम अदर फॉरेस्ट रीजन्स की बात करें तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्लोज कर दिया था, क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया और प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम, और वहाँ पर प्रिवेंट करने लग गए, मतलब उस लार्ज फॉरेस्ट को, मतलब लोगों को वहाँ पे एंट्री जाने से मना कर दिया और लोगों को वहाँ घुसने से मना कर दिया गया और कहा गया कि वो अपने कैटल्स को लेकर यहाँ से जाए, वो अब अपने कैटल्स को लेकर यहाँ पे फॉरेस्ट में नहीं आएंगे ग्रेजिंग के लिए, ठीक है, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड, और आप यहाँ पर फ्यूल वुड या फूड्स के लिए भी नहीं आएंगे, आप यहाँ पे फ्यूल वुड और फूड्स के लिए भी नहीं आएंगे, और ये सब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कर दिया एंड दैट हाँ दिस एंडेड द हिल पीपल, और इससे क्या हुआ था कि उनसे ना केवल उनसे उनके मतलब कि फ्रूट फायरवुड मतलब सब उनसे छीन लिया जा रहा था एंड कलेक्ट दी फूड, और क्या हुआ था हाँ दिस अनड्रैग दी हिल पीपल, इससे लोग परेशान हो गए और वो काफ़ी गुस्से में आ गए, इससे लोग क्या हो गए परेशान हो गए और वो काफ़ी गुस्से में आ गए, लोग परेशान होकर काफ़ी गुस्से में आ गए थे एंड ना केवल उनके गुस्से में आ गए थे, नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बी डिनाइड, ना केवल उनकी आप कह सकते उनकी लाइवलीहुड ही इससे अफेक्ट नहीं हो रहा था, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो भी उनसे छीने जा रहे थे, जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे वो भी उनसे छीन लिए जा रहे थे। When the government began forcing them to contribute bekar for road building, the hill people revolted. और जब government ने उन्हें फोर्स किया कि वो बेकार करे मतलब वर्क करे रोड बनाने में हेल्प करे रोड बिल्डिंग में हेल्प करे तो उन्होंने क्या किया पीपल ने रिवॉल्व कर दिया क्योंकि वो बेकार का काम करने के लिए कह रहे थे और बेकार में क्या था किसी से काम ले लेना और उसको उसकी पेमेंट ना देना उन पे उनको बेकार पे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया अहेल And the person who came to lead them was an interesting figure. ठीक है और हिल पीपल ने रिवोल्ट कर दिया था हिल पीपल ने रिवोल्ट कर दिया और द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर और जो उनको लीड करने के लिए जो पर्सन आ रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था ठीक है इंटरेस्टिंग पर्सन था उसका नाम क्या था बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था दिलचस्प व्यक्ति था दैट सीताराम राजू अल्लूरी सीताराम राजू था उसका नाम क्या था अल्लूरी सीताराम राजू था क्लेम्ड उसका नाम क्या था अल्लूरी सीताराम राजू था Claimed that he had a variety of special powers. उसने claim किया कि उसके पास variety of special powers हैं ठीक है उसके पास बहुत सारी special शक्तियाँ हैं special powers हैं और he could make correct astrological prediction and heal people. वो बिल्कुल correct astrological He could make
एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल। उसने क्या किया, मतलब कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता है, जैसे एक खगोलीय एक अनुमान लगाया जा सकता है आपका हाथ प्रेडिक्शन देख के बता लेना कि आगे क्या होगा, एंड हील पीपल और उनके लोगों को स्वस्थ कर सकता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करके वो लोगों को स्वस्थ कर सकता है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और जिसको भी अगर गोली लगी है, ठीक है, उन्हें भी वो, ठीक है, ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट, अगर उसे बुलेट ने शॉट किया है तब भी वो सर्वाइव कर सकता है, अगर बुलेट ने उसे शॉट किया हो तब भी वो सर्वाइव कर सकता है, अगर उसे गोली लगी है तब भी वो जिंदा रह सकता है। कैप्टिवेटेड बाय राजू, कैप्टिवेटेड बाय राजू, एंड द रिबल प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकर्नेशन ऑफ गॉड। कैप्टिवेटेड बाय राजू, राजू के व्यक्तित्व में चमत्कृत, कैप्टिवेटेड बाय राजू, जो रिबेल थे वो प्रोक्लेम कह रहे थे कि भगवान की कुछ, मतलब कुछ शक्तियां सच में इसमें हैं, जो आप कह सकते हो जो राजू के व्यक्तित्व में, जो मतलब यहाँ तक कि जो रिबेल कर रहे थे उन लोगों को भी विश्वास था कि हाँ इसमें कुछ शक्तियां हैं भगवान की, इसमें कुछ शक्तियां हैं राजू में। राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, राजू हमेशा महात्मा गांधी की बात को मानता है था और उनके गुण का गुणगान करता रहता था, वो हमेशा महात्मा गांधी की ग्रेटनेस की बात करता रहता था, और ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो खुद इंस्पायर्ड हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और वो खुद क्या हुआ था, इंस्पायर्ड हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, इंस्पायर्ड हुआ था, एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, और साथ ही वो लोगों को कहता था कि उन्होंने, उसका कहना था कि मतलब वो खुद एक इंस्पायर्ड हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था, उन्होंने परसुएडेड, उन्होंने मतलब राजू ने लोगों से कहा कि आप लोग खादी के कपड़े डालना स्टार्ट करिए और जो ड्रिंकिंग है उसको गिव अप करिए, ड्रिंकिंग को छोड़िए और खादी के कपड़े को डालना स्टार्ट करिए। बट एट द सेम टाइम ही एजर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबर्टेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वॉयलेंट, और एट द सेम टाइम उसने क्या कहा, एट द सेम टाइम साथ ही उसने ये भी दावा किया कि भारत नॉन वॉयलेंस के बल पर नहीं केवल बल, और एट द सेम टाइम उसने ये बात भी कह दी कि जो इंडिया है वो आज़ाद हो सकती है लेकिन फोर्स से वो आज़ाद हो सकती है, नॉन वॉयलेंस से वो आज़ाद नहीं हो सकती, जो इंडिया है वो नॉन वॉयलेंस से आज़ाद नहीं हो सकती, वो क्या है, वो फोर्स से आज़ाद हो सकती है, वो फोर्स से आज़ाद हो सकती है, नॉन वॉयलेंस से वो आज़ाद नहीं हो सकती है, एंड नॉन वॉयलेंस से वो आज़ाद नहीं हो सकती, वो फोर्स से आज़ाद हो सकती है, एंड द गुड डेम रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, जो गुड डेम रिबल्स थे, ठीक है, जो मतलब आंध्र प्रदेश में जो हिल थी वहाँ, जो हिल थी रादर गुड डेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पे जो गुड डेम रिबल्स थे, वहाँ के जो आदिवासी थे, उन्होंने क्या किया, रिबल किया, अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे, उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, और अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर, और उन्होंने अटेम्प्ट किया मतलब पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, और अटेम्प्ट टू किल, उन्होंने पुलिस ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की भी कोशिश की, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की, एंड कैरीड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर,
और उन्होंने फिर क्या किया, गोरिल्ला वॉरफेयर चलता रहा, ठीक है, वॉरफेयर फॉर अचीव मतलब स्वराज को पाने के लिए ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर था वो चलता रहा। स्वराज को पाने के लिए ये जो गोरिल्ला वॉर अफेयर था वो क्या था, वो चलता रहा। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। राजू को पकड़ लिया गया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज ओवर टाइम बिकेम अ फॉल्क हीरो, और वो क्या हुआ, तब तक राजू अपने लोगों के बीच में एक फॉल्क हीरो बन चुका था, लोक नायक बन चुका था। राजू अपने लोगों के बीच में लोक नायक बन चुका था। लोकनायक बन चुका था राजू। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज स्वराज इन द प्लांटेशन 2.3, दैट इज स्वराज इन द प्लांटेशन। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज एंड द नोशन ऑफ स्वराज। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की मतलब वर्कर्स की खुद की भी अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज को लेकर, ठीक है, महात्मा गांधी और द नोशन ऑफ स्वराज को लेकर वर्कर्स की खुद की भी अंडरस्टैंडिंग थी। एंड फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड एंड इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक retaining the link with the village from which they had come, with the village from which they had come। देखो for plantation workers in Assam जो plantation workers थे आसाम में थे, ठीक है, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed। उनके लिए फ्रीडम क्या था, आसाम में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब यह था कि वे इस एनक्लोज्ड में जब चाहे आ जा सकते हैं, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था, ठीक है, वो चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम एंड राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ दी कन्फाइंड स्पेस, जहाँ पे उन्हें एनक्लोज करके बंद करके रखा गया था वहाँ से वो कभी भी आ सकते थे, वहाँ से वो कभी भी जा सकते थे। एंड इट मीन्स रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और उसके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे, और उनके लिए मतलब आज़ादी का मतलब क्या था, फ्रीडम मेंट क्या था कि राइट मूवमेंट, आप फ्रीली यहाँ वहाँ जा सकते हो जहाँ पे आपको काम के लिए रखा गया है, आप वहाँ से बाहर भी जा सकते हो अंदर भी आ सकते हो, मतलब ये एक था। और उस विलेज में, और आप जिस विलेज से अटैच हो आप वहाँ पर भी जा सकते हो और वहाँ से वापस आ सकते हो, ये एक फ्रीडम थी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ फ्रीडम, ये एक फ्रीडम थी, बट ये एक फ्रीडम थी, बट क्या था, अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, और अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे वर रियली गिवन सच परमिशन। देखिए पहले उनके लिए क्या था, जो प्लांटेशन, जो आसाम में प्लांटेशन का वर्क करते थे तो वो कभी भी फ्रीली उस चार दीवारियों में से कभी भी उस फैक्ट्री में आ जा सकते थे, जाते थे आ जाते थे, और वो गाँव से भी जुड़े रहते थे, वो गाँव से भी अटैच रहते थे। बट
बाद क्या हुआ, वो गांव से भी अटैच रहते थे, लेकिन अब क्या था कि जैसे इनलैंड इमिग्रेशन में क्या हुआ, इनलैंड इमिग्रेशन के जो एक्ट था वो मतलब गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में पास किया। और इसमें क्या कहा, इमिग्रेशन मीन्स कि अपने इंडिया के अंदर ही मतलब इधर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना। इसमें क्या कहा गया था, प्लांटेशन में क्या कहा गया, इनलैंड इमिग्रेशन जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको कहा गया कि अब आप बाहर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अब आप अपनी मर्जी से फ्री होकर नहीं घूम सकते हैं, अब आपको बाहर जाने के लिए आपको इस गार्डन टी गार्डन को छोड़ के बाहर घूमने जाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इनफैक्ट बहुत मुश्किल से ही, बहुत रेयर केस होता था कि उनको बाहर जाने की परमिशन दी जाती थी, बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर केसेस में ही उनको बाहर जाने की परमिशन मिलती थी या दी जाती थी। एंड व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटी, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। क्या हुआ, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, जब उन्होंने तो हजारों मजदूर मतलब थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स अपनी अथॉरिटी की बात को ना मानते हुए, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने अपने अथॉरिटी की बात को नहीं माना और उन्होंने प्लांटेशन छोड़कर वो अपने घर वापस आ गए, प्लांटेशन को छोड़ दिया और वो अपने घर वापस चल दिए, ठीक है, वो अपने घर वापस चल दिए। मतलब उनको बहुत ज़्यादा बिलीव था गांधी राज पे, दे बिलीव डैट गांधी राज वॉज कमिंग, उन्हें बिलीव था कि गांधी राज आ रहा है, गांधी राज आ रहा है। एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, और जो एवरीवन है उन्हें मतलब वेल्थ, उन्हें बिलीव था कि गांधी राज आ रहा है और एवरीवन मतलब सबको उनके खुद के गांव में सबको लैंड दिया जाएगा, ठीक है, एवरीवन वुड बी गिवन लैंड मतलब सबको लैंड दिया जाएगा उनके खुद के विलेजेस में, मतलब हमारे अगर हम लोग लेबर हैं तो जब हम अपने विलेजेस लौटे तो हमें उम्मीद थी कि इस मूवमेंट से क्या होगा, हमारे लैंड हमें वापस मिल जाएंगे या हमें मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, तो सबको इक्वल लैंड दिए जाएंगे, सबको क्या होगा, इक्वल लैंड दिए जाएंगे। एंड दे हाउ एवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, बट क्या हुआ कि वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। कैसे, वो मजदूर अपनी मंजिल पे क्यों नहीं पहुंच पाए, दैट इज स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर ट्रैक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन। अब क्या हुआ कि उन्हें रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस के रह गए, और क्या हुआ कि रेलवे और जो स्टीमर की हड़ताल थी उसके कारण क्या हुआ, वो रास्ते में ही फंस कर रह गए, और दे वर कॉट बाय द पुलिस, और उनको पुलिस ने पकड़ लिया और विचुअली काफ़ी मारा, बीटन अप, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और विचुअली बीटन अप, उन्हें बहुत ही मारा गया, विचुअली बीटन अप, उन्हें बहुत ज़्यादा ही मारा गया। और The vision of these movements the vision of these movements were not defined by the Congress program.
मतलब कि इसका जो विज़न है, इस मूवमेंट का जो विज़न है, ये कांग्रेस के प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया गया है। ये जो इनका जो विज़न है, ये कांग्रेस के प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो इस मूवमेंट का विज़न है, ये कांग्रेस के प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया गया है। They interpreted the term Swaraj in their own way. They interpreted the Swaraj in their own way. They interpreted the term Swaraj in their own way, imagining it to be a time when all suffering and all trouble would be over. When all suffering and all trouble would be over. अब क्या था? They interpreted. उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला गया था, मतलब सब ने स्वराज की मीनिंग अपने अपने वे से निकाली गई थी। और इमेजिन, ठीक है, उनके लिए यह एक ऐसे युग का, ठीक है, दे इंटरप्रेटेड द टर्म, मतलब उन्होंने स्वराज की मीनिंग अपने अपने अकॉर्डिंग निकाला था। और उनका स्वराज का मीनिंग क्या था, इमेजिनेशन क्या था, इट टू बी टाइम वेन, मतलब उनकी जो सफरिंग, जो ट्रबल्स है, वो ख़त्म होने वाले हैं। उनका मीनिंग था कि हमारी फ्रीडम वापस आने लग गई है, स्वराज मतलब हमारी फ्रीडम आने लग गई है, हमारी जितनी भी दुख तकलीफ थी, जितने भी ट्रबल्स थे, जो भी सफरिंग थी, वो सब ख़त्म होने वाली है, जो भी सफरिंग थी वो सब खत्म होने वाली है। एंड येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधीजीज नेम, येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधीजीज नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन, ऑल इंडिया एजिटेशन। आप कह सकते हो कि फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया, जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और क्या कहा, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, स्वतंत्र भारत की डिमांड की, स्लोगन लिखा, तो एक अखिल वो लोग, मतलब तब क्या था, वो एक इमोशनली रिलेटेड थे ऑल इंडिया एजिटेशन से, वो एक इमोशनली रिलेटेड थे, तभी उन्होंने मतलब स्वतंत्र भारत की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, एक इमोशनली अटैच होना स्टार्ट कर दिया, एक इमोशनली अटैच होना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identified with a movement which went beyond the limit of their immediate locality, of their immediate locality. अब क्या हुआ था, जब भी महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। अब क्या किया था कि जैसे when they acted in the name, जब वो महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे और लिंक करते थे their movement, मतलब अपने मूवमेंट को जो वो मूवमेंट चला रहे थे वो कांग्रेस के मूवमेंट से जब वो लिंक करते थे, तो दे वो आइडेंटिफाइड विद द मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द, तब वो देखते थे इस मूवमेंट को, एक्चुअली मूवमेंट क्या है, तो तब उन्हें समझ में आता था ये जो मूवमेंट है, जिस मूवमेंट को उन्होंने कांग्रेस के मूवमेंट से जोड़ा है, वो क्या है, लिटरली उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, वो हमारे इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। फिगर फाइव में क्या कह रहा है, चौरा चौरी 1922 में क्या है, एट चौरा चौरी इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन द बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस, और हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड हार्ड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
क्या हुआ था, चौरा चौरी 1922 गोरखपुर में, ये चौरा चौरी गोरखपुर में है, ये एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था बाजार में, एक मतलब बहुत पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था बाजार में, टर्न इंटू अ वायलेंट क्लैश, और वो किस में चेंज हो गया, एक वायलेंट क्लैश में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, वायलेंट क्लैश में विद द पुलिस, वायलेंट क्लैश में चेंज हो गया विद द पुलिस, एंड हियरिंग द इंसिडेंट मतलब उनके वायलेंट हो गया पुलिस और उन लोगों के बीच में, और हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट महात्मा गांधी ने जब इंसिडेंट ये इंसिडेंट सुना तो महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर लिया, महात्मा गांधी ने हाल्ट कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकने का आह्वान कर लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, एंड इन फरवरी 1922, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन फरवरी 1922 को क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था, फरवरी 1922 को क्या हुआ, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि टू विदड्रॉ किया जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, विदड्रॉ किया जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला कर लिया, विड्रॉ करने का फैसला कर लिया, ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, एंड सत्याग्रही नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि जो मूवमेंट था वो हिंसक होता जा रहा था, मतलब वायलेंट होता जा रहा था, कुछ प्लेसेस में ये जो मूवमेंट थे ये वायलेशन का रूप ले रहे थे, वायलेंट होते जा रहे थे, और सत्याग्रही को एक प्रॉपरली ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर हम इससे भी बड़ा मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, मास स्ट्रगल अगर हम करने जा रहे हैं तो सत्याग्रही को काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एंड विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल, मतलब विद इन द कांग्रेस स्ट्रगल एंड वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1919. अब क्या था, विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल, मतलब कांग्रेस में ही कुछ नेता मतलब कांग्रेस के कुछ नेता बिल्कुल थक गए थे मास स्ट्रगल से, मास स्ट्रगल से कुछ नेता बिल्कुल पूरी तरह से थक गए थे, एंड वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और वो चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वो क्या चाहते थे, वे चाहते थे कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, और वे चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, कौन से इलेक्शन में, प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैज बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो सेटअप किया गया था उसमें वो उस काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, दे फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इन द काउंसिल, और उन्हें मतलब ये फेल्ट था, उन्हें ये लगता था कि ये उनको लगता था कि काउंसिल में रहते हुए ब्रिटिश पॉलिसियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, मतलब आप उनको ये लगता था कि दे फेल दैट, उन्हें ये लगता था इट वॉज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम काउंसिल में एंट्री करें,
ठीक है, टू अपोज। हम ब्रिटिश काउंसिल में एंट्री करेंगे तो ब्रिटिश पॉलिसीज को क्या करेंगे, ब्रिटिश पॉलिसीज को उसके ब्रिटिश पॉलिसीज जो ब्रिटिश ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करेंगे। एंड आर्गू फॉर मतलब उसमें हम आर्गू करेंगे, मतलब अपनी नसीहत देंगे, अपने विचार को बोलेंगे रिफॉर्म के लिए कि उसमें कुछ चेंजेस किए जाए। एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे काउंसिल्स फॉर, मतलब ऑल्सो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ये जो काउंसिल्स है ये सच में ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं होती, ये जो काउंसिल्स है ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, ये जो काउंसिल्स होती हैं वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं। ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं ये काउंसिल्स। एंड ठीक है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्गू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, टू काउंसिल पॉलिटिक्स। अब क्या हुआ था कि सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। देखो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी को बनाया, ठीक है, विद इन द ये जो कांग्रेस टू आर्गू फॉर अ रिटर्न, जो कांग्रेस का आर्गू था कि उसे काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए एक अंदर ही अपनी ही मतलब अपनी ही पार्टी में कांग्रेस में एक स्वराज पार्टी को फॉर्म कर दिया। एक स्वराज पार्टी को क्या किया, उन्होंने फॉर्म कर दिया। एंड बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे वो ज़्यादा वो क्या कहते थे, मतलब प्रेस फॉर वो रेडिकल मास एजिटेशन के लिए दबाव बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि मतलब फुल इंडिपेंडेंस, हमें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोर रेडिकल मास एजिटेशन करना पड़ेगा, मोर रेडिकल मास एजिटेशन करना पड़ेगा, मतलब हमें इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920. In such a situation, क्या हुआ, ऐसी situation में, मतलब क्या हुआ, ऐसी situation में internal debate और discussion हो रहा था, ठीक है, दो internal debate और discussion हो रहा था, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920. और इंटरनल डिबेट और डिस्कशन के इस माहौल में दो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने लेट 1920s के आखिरी सालों में इंडियन पॉलिटिक्स को फिर से एक बार फिर बदल दिया, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स की जो शेप था उसको एक बार और बदल दिया, इंडियन पॉलिटिक्स का जो शेप था उसको एक बार और बदल दिया गया। एंड क्या किया था, ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि कांग्रेस के अंदर में डिबेट्स हो रहे थे, डाइसेशंस चल रहे थे, टू फैक्टर्स थे जो शेप, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स को इस टू फैक्टर्स से शेप मिल रहा था लास्ट ने 1918 सेंचुरीज में, मतलब लेट 1920s में, ठीक है, इससे क्या हुआ, इंडियन का जो रूपरेखा था वो दोबारा से चेंज हो गया, दोबारा से बदल दिया गया। एंड द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, द फर्स्ट वॉज इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड
वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसमें क्या था कि जो पहला क्या था वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था। क्या हुआ था? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन टू फैक्टर्स थे, जो इसमें फर्स्ट फैक्टर अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था। एक पूरी तरह से इकोनॉमिक मंदी में छा गई थी इकोनॉमिक। एंड एग्रीकल्चरल प्राइजेस बिगन टू फॉल, जो एग्रीकल्चर का प्राइजेस था, एग्रीकल्चरल प्राइजेस बिगन टू फॉल फ्रॉम, जो एग्रीकल्चरल प्राइजेस है बिगन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। जो एग्रीकल्चर के प्राइजेस थे वो फॉल होने लग गए थे 1926 से और कोलैप्स्ड हो गए बिल्कुल 1930 तक। वो पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गए 1930 तक, वो पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गए। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, पीसेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। बाई 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, एंड बाई 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। आप कह सकते हो कि दैट इज, अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो डिमांड थी जो डिमांड थी एग्रीकल्चर गुड्स की वो गिर गई, मतलब फेल हो गई, फॉल हो गई, पूरी तरह उनकी डिमांड गिर गई और एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। एक्सपोर्ट पूरी तरह से क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर दिया गया। और पीसेंट फाउंड इट डिफिकल्ट, और पीसेंट को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी अपने हार्वेस्ट को सेल करने के लिए, उन्हें डिफ़िकल्ट होने लगा अपने हार्वेस्ट को सेल करना, और अगर उनका हार्वेस्ट नहीं बिकेगा तो वो रेवेन्यू कैसे पे करेंगे, अगर हार्वेस्ट नहीं बिकेगा तो वो रेवेन्यू की पेमेंट कैसे करेंगे। दैट बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। बाय 1930 में क्या था, जो कंट्री साइड था वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल होने लग गई थी, टर्मोइल मतलब कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी, कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी। एंड अगेन द बैकग्राउंड द न्यू टोजी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइन। अगेंस्ट इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट जो न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइन। ठीक है, इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। देखो इस अगेंस्ट द बैकग्राउंड क्या हुआ था, एक मतलब न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ब्रिटेन ने एक कंस्टिट्यूट किया न्यू टॉरी गवर्नमेंट को, ठीक है, और उन्होंने कमीशन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया, और उसके हेड कौन थे, किसमें स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया स्टैट्यूटरी, और अंडर दी कौन हेड था, सर जॉन साइमन उसके हेड थे, सर जॉन साइमन उसके हेड थे। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस क्या हुआ नेशनलिस्ट मूवमेंट के जवाब में ये जो कमीशन था इसने क्या,
सेटअप इन रेस्पॉन्स, ये जो कमीशन को सेटअप किया गया था ये रेस्पॉन्स लेना था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या हो रहा है, और द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शन, और ये जो कमीशन था वो फंक्शन देखता था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, ये जो कमीशन था वो फंक्शन देखता था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, ये फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंक्शन हो रहे हैं उसको वो देखता था, एंड सजेस्ट चेंजेस, और वो जो कमीशन था स्टैट्यूटरी कमीशन वो उसमें सजेस्ट करता था चेंजेस को भी वो उसमें सजेस्ट करता था। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, बट ये जो स्टैट्यूटरी कमीशन था जो टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन ने बनाया था इसमें कोई भी एक भी सिंगल इंडियन नहीं था, इस सिस्टम में कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, दे वर ऑल ब्रिटिश, वो सब ब्रिटिश थे, दे वर ऑल ब्रिटिश, वो सब क्या थे ब्रिटिशर्स थे, एंड That when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." जब साइमन कमीशन इंडिया आ रहा था 1928 में, जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा तो उसका स्वागत कैसे किया गया, उसका स्वागत एक स्लोगन से किया गया दैट इज गो बैक साइमन, और उसका स्वागत एक स्लोगन से किया गया दैट इज गो बैक साइमन, साइमन तुम वापस जाओ, एंड Simon Commission, go back. All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. मतलब all parties, सब parties ने और Congress और Muslim League ने भी participate किया था इस demonstration में, ठीक है, सब parties ने मतलब including all parties, including Congress और जो Muslim League थे उन लोगों ने भी इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों ने भी क्या किया था इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, एंड इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वाइसराय लॉर्ड एल्गिन अनाउंस्ड in October 1929 a Baguio officer offer of dominant status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution to discuss a future constitution. अब क्या हुआ था कि In an effort to win them over, ये एक effort था that is इस विद्रोह को शांत करने के लिए Viceroy Lord Irwin ने October 1929 में भारत के लिए Dominion State का गोल पोस्ट का ऐलान कर दिया, ठीक है, क्या हुआ था कि एक effort to मतलब in an effort to win them over मतलब इंडिया को विन करने के लिए वायसराय ने लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 को एक वैग्यू ऑफर दिया दैट इज डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया दिया दैट इज अनस्पेसिफाइड फ्यूचर था जिसका कोई फ्यूचर नहीं था वो अनस्पेसिफाइड था एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है उन्होंने इस बारे में क्या हुआ
वायसराय। लॉर्ड हेल्विन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए इस विद्रोह को शांत करने के लिए डोमिनेंट स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करने के लिए गोल में सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है, और उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन के लिए एक गोल में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। गोल में कॉन्फ्रेंस मतलब का उसका फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करने के लिए गोल मेज का यूज किया गया है। वी विल कंटिन्यू इट टुमारो।